हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा हब में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में, सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म के बारे में बात करेंगे हम। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा लास्ट लेक्चर में बात कर लेते हैं। जैसे गाइस, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने डोसिस फॉर्म के बारे में बात की थी। तो डोसिस फॉर्म में गाइस हमने बात की थी, सबसे पहले सॉलिड डोसिस फॉर्म की बात की थी, जिसमें हमने अपने टैबलेट और कैप्सूल्स के लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम गाइस। फिर हमने उसमें स्टार्ट किया था अपना गैसेस डोसिस फॉर्म किया था। तो गैसेस डोसिस फॉर्म में गाइस हम अपना अभी लास्ट कुछ लेक्चर में एरोसोल्स कंप्लीट कर चुके हैं। और गाइस उसके बाद फिर हमने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की थी। तो गाइस, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने के बाद आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपना एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म। तो गाइस, सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म में आज हम जानेंगे कि सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म क्या होता है। तो गाइस, आज हम इसके बारे में जानते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट बातें को देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो गाइस, जो सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ट्रॉपिकल सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म भी कह सकते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब जैसे कि हम उसको क्या करते हैं, उसको हम अपनी सुपरफिशियल स्किन पे अप्लाई करते हैं, इसीलिए उसको ट्रॉपिकल कहा गया है। तो उसको हम ट्रॉपिकल सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म भी कहते हैं। तो गाइस, ये लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपको टर्म है इंडिकेट करते हैं यहाँ पर सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म, मतलब सेमी सॉलिड का मतलब जैसे कि ना तो पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही पूरी तरह से वो लिक्विड है। तो उसको मतलब क्या गया है, उसको एक बीसी कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि हमारे हमें पता है कि जो हमारे नेचर में हमारे जो पदार्थ होते हैं, हमारे जो एलिमेंट होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। या तो वो सॉलिड होते हैं, तो गाइस ये हमारे जो मैटर होते हैं वो इन तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब तो और दो ऐड हो चुके हैं, जैसे कि इसमें प्लाज्मा ऐड हो चुका है आपका, और बहुत सेंसिटिव गैस ऐड हो चुका है इसमें। तो गाइस, मेनली हम इन थ्री के बारे में ही बात करते हैं। तो गाइस, जैसे हमने सॉलिड डोसिस फॉर्म में अपने टैबलेट्स और कैप्सूल्स के बारे में हम उसमें बात कर चुके हैं, अपने कैप्सूल्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो गाइस, और अपने गैसेस में भी एरोसोल्स के बारे में बात कर चुके हैं, उसमें एरोसोल्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो गाइस, जो अब हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म, तो गाइस वो क्या होता है, हमारा जो सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म होता है वो ना तो पूरी तरह से सॉलिड है और ना ही पूरी तरह से वो हमारा लिक्विड है। तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ और, मतलब सेमी सॉलिड भी है, सॉलिड भी है वो थोड़ा सा, और थोड़ा सा लिक्विड भी है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसको सेमी सॉलिड कहा गया है, सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म कहा गया है इसीलिए। तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, जानते हैं क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। सेमी सॉलिड्स आर द प्रिपरेशंस डिजाइन टू एक्सर्ट लोकल एक्टिविटी व्हेन अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसने क्या कहा है, जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती है हमारी, वो क्या करती है, वो इस तरह डिजाइन की जाती है कि मतलब जैसे ही हम उसको अप्लाइड करेंगे अपनी स्किन पे या अपने म्यूकस मेम्ब्रेन पे, तो वो क्या करेगी, अपनी एक्टिविटी को शो करेगी, ये इसने कहा है। फिर बात करते हैं, द मेन मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स आर एज प्रोटेक्टिव इमोलेंट्स एंड थेरापूटिकल एजेंट। इसने क्या कहा है कि मतलब जो हमारे सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म होती है, जो मेन एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो प्रोटेक्टिव होती है, मतलब क्या, वो बचाव करता है हमारा। इमुलेंट का मतलब इमुलेंट होती है, इमुलेंट का मतलब सॉफ्ट होती है, सॉफ्टनिंग है, सॉफ्टनिंग में काम करता है वो हमारा, और स्मूथिंग में काम करता है। एंड थर्ड इज थेरापूटिकल एजेंट। थेरापूटिकल एजेंट मतलब जो हमारा API होता है, जो हमारा API क्या करता है, हमारा एक्शन शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थेरापूटिकल एजेंट कहते हैं। तो गाइस, फिर इसने क्या कहा, दे इंक्लूड डोसिस फॉर्म, और मतलब जो हमारा सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म होता है उसके अंदर हमारे कौन कौन से फॉर्म को इंक्लूड किया गया है, जैसे हम उसमें अपने क्रीम्स को इंक्लूड किया गया है, उसमें जेल्स इंक्लूड किया गया है, और ऑइंटमेंट इंक्लूड किया गया है, और पेस्ट इंक्लूड किए गए हैं, और नेक्स्ट इज पॉलिस्टिस में ऐड किए गए हैं हमारे सेमी सॉलिड डोसिस फॉर्म में। तो गाइस, हम बात करेंगे कि जैसे क्रीम आप अप्लाई करते हो, आप लेडीज फेयर एंड लवली लगाती है, जेंट्स अपने फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं, और बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, तो वही क्रीम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और जेल्स, जैसे आपके हेयर जेल लगाते हो आप, तो वही जेल के बारे में बात करेंगे। ऑइंटमेंट, जैसे आप ऑइंटमेंट यूज़ करते हो, जैसे कि आप कभी दर्द वगैरह होता है तो आप जेल वगैरह जेल यूज़ करते हो, तो उसी के बारे में जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो गाइस, और फिर नेक्स्ट है हमारा मतलब पेस्ट के बारे में, जैसे आप टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके पेस्ट के बारे में बात करेंगे।
और जैसे पॉलिटिसिस का आ गया है यहाँ पे, तो गाइस पॉलिटिसिस जो बहुत पहले यूज होता था, अब तो उसका यूज बहुत कम होता है। तो इसमें एक मेन इसका एग्जांपल है काओलिन, जो हम यूज करते हैं अपने ऐसा पॉलिटिसिस के बारे में यूज करते हैं, जिसमें हमारा वेजिटेबल ऑयल्स का मिक्सचर होता है, वेजिटेबल का मिक्सचर होता है। तो गाइस हम बात करते हैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो गाइस करेक्टरिस्टिक्स में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है वो क्या होती है। उसमें जो हमारा, जैसे आपको पता है कि जो हमारी मेडिसिंस होती है, हमारी जो मेडिसिन उसके अंदर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं गाइस। एक तो हमारा कंपोनेंट होता है गाइस जिसको आप जानते हैं एपीआई होता है, जिसके बारे में हम बहुत फर्स्ट लेक्चर में भी और सॉलिड डोसेज फॉर्म में भी बात कर चुके हैं एपीआई के बारे में, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारा थेरेप्यूटिक एक्शन शो करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, वो हमारा एपीआई होता है। नेक्स्ट गाइस हमारा जो दूसरा इसमें हम यूज करते हैं एलिमेंट वो होता है हमारा एक्सिपिएंट। तो गाइस जो हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे हम अपने सॉलिड डोसेज फॉर्म में हमने यूज किए थे एक्सिपिएंट्स, और यहाँ पे भी हम एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हम एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, जैसे हम उसमें बेस यूज करते हैं, अपना प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज करते हैं, बाइंडर्स वगैरह यूज करते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए हम उसमें परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं। तो गाइस जो एक्सिपिएंट्स होगा, तो इसको मतलब जो हमारी एपीआई होती है वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आप, हमें अपने 500 का पैरासीटामोल का दिया एग्जांपल, तो 500 जो पैरासीटामोल की जो टैबलेट होगी गाइस, उसके अंदर कितना हमारा एपीआई होगा, उसके अंदर हमारा 0.5 ग्राम हमारा क्या होगा एपीआई होगा, जिसमें हमारा जो पीसीएम होगा 0.5 ग्राम। तो गाइस अगर आप इसको बात करते हैं, अगर आपके आपको 0.5 ग्राम पीसीएम दिया जाए, कि आप बोला जाए कि इसको आप ले लीजिए, खा लीजिए, तो क्या होगा, जैसे ही हम उसको लेंगे पानी से लेंगे, तो क्या होगा, वो हमारा सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो क्या क्या बचेगा, बहुत कम अमाउंट में हमारा जो इसका हमारा जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो बहुत कम आ पाएगी, क्योंकि बहुत कम हमारा सर्कुलेशन में पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमारा कम एक्शन आएगा। तो गाइस इसी को डोसेज फॉर्म में बनाने के लिए, बल्क फॉर्म में बनाने के लिए हम उसमें एक्सिपिएंट्स का यूज़ करते हैं। तो गाइस जो हमने यहाँ पे हम सॉलिड डोसेज फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम जो एक्सिपिएंट्स है उसको बल्क में बनाने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिस का यूज़ कर रहे हैं गाइस, बेसिस का यूज़ करेंगे हम उसमें, जो हमारा क्या करेगा वो बल्क बनाएगा, हमारे बल्क में हमारा काम आएगा। तो गाइस उसी बेसिस के बारे में हम जानते हैं कि मतलब जो हम बेसिस यूज़ करेंगे अपना सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में, उस बल्क की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि हम उसको यूज़ करें। तो आइए जानते हैं उस करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो क्या होना चाहिए, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और स्टेबल होना चाहिए। मतलब नॉन टॉक्सिक का मतलब अगर वो किसी के साथ में भी रिएक्शन करे, हमारा एपीआई के साथ रिएक्शन करे, तो कुछ ऐसा फॉर्म ना करे कि जिससे वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करे हमारी बॉडी में जाकर के, कुछ ऐसा फॉर्म ना हो, और क्या हो, वो सोल्यूबल हो, मतलब इजीली हमारा जो बेस है वो हमारे एक्सिपिएंट के साथ सोल्यूबल हो, या हमारे एक्वस सोल्यूशन जिसमें हम उसको ऐड करेंगे सोल्वेंट के साथ, वो क्या हो, हमारा सोल्यूबल हो, और दैट इज स्टैंडर्ड, मतलब स्टेबल हो, मतलब क्या उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब ऐसा ना हो कि वो इनकम्पेटिबल फॉर्म कर दे, जैसे हमने उसको एक्सिपिएंट के साथ मिलाया तो इनकम्पेटिबिलिटी फॉर्म कर दे, तो ऐसा ना हो कि मतलब वो स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, न्यूट्रल एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक, मतलब क्या होना चाहिए, जो हमारा बेस होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए, कि मतलब अगर हमने उसको अपने एक्सिपिएंट के साथ मिलाया, किसी और के साथ उसको हमने ऐड किया, तो क्या आ गया, कोई एसिडिटी कोज ना करे या बेसिसिटी कोज ना करे, न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि वो हमारे स्किन में इरिटेशन कोज वगैरह ना करे। तो गाइस फिर हमने क्या आ गया, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हमारा वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है, तो क्या होना चाहिए, वो उसको क्या करे, उसको एब्जॉर्ब ना करें, नॉन एग्रोस्कोप, जैसे हमारा NaCl होता है, नमक होता है, जैसे आपको खुले में छोड़ देते तो क्या कर लेता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर से हमारी जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा हमें गीला गीला महसूस होता है। तो जो हमारा बेस होगा वो ऐसा ना हो कि हमारे एब्जॉर्ब, मतलब जो हमारा मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर ले हमारे एटमॉस्फेयर से। तो गाइस नेक्स्ट में क्या कहते हैं, इजीली अवेलेबल एंड नो रिटेंट, मतलब इसने क्या कहा कि जो हमारा बेस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आसानी से मिल जाए हमको कहीं भी, और क्या होना चाहिए, नॉन इरिटेंट, मतलब क्या हो कि अगर हमने उसको स्किन में अप्लाई किया है, म्यूकोस मेम्ब्रेन पे अप्लाई किया है, तो इरिटेशन कोज ना करे, वो कम को कम्फर्ट रहे। बात नेक्स्ट बात करते हैं, इफिशेंट ऑन ऑयली एंड ड्राई स्किन, इसने क्या कहा कि मतलब हमारा जो बेसिस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसको अप्लाई करें, जैसे हमारे ड्राई स्किन वाले पर्सन भी होते हैं कुछ और ऑयली स्किन वाले पर्सन भी होते हैं, तो ऐसा थोड़ा ही कि हम दोनों के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करें कि भाई ये ड्राई स्किन वाले के लिए, ये ऑयली स्किन वाले के लिए, तो हमारा जो बेसिस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों के लिए सफिशिएंट हो। नेक्स्ट में बात करते हैं गाइस,
इजीली हैंडल एंड एडमिनिस्टर्ड, और हमारा जो मतलब हमारा बेस होगा वो ऐसा होना चाहिए कि उसको हम इजीली हैंडल कर सके, मतलब इतना भी वो लिक्विड ना हो या इतना भी हार्ड ना हो तो कि हम उसको हैंडल ना कर पाए। तो गाइस और क्या होना चाहिए, एडमिनिस्टर मतलब आसानी से उसको दिया जा सके, किसी पेशेंट को आसानी से उसको एडमिनिस्टर किया जा सके। एंड इजिली कंपाउंड बाय द फार्मासिस्ट, और हमारा जो मतलब हमारा बेस होगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से जो हम हमारे फार्मासिस्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो आसानी से उसको कंपाउंड कर सके। तो ये बात थी हमारे टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस की। तो गाइस जो बेस ही हमारा यहाँ पे एक मेन कंपोनेंट की तरह काम करेगा, इसमें जो बल्क को बढ़ाएगा हमारे सेमी सोलिडोसिस फॉर्म के। तो गाइस इसी बेसिस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपने बेसिस टाइप ऑफ बेसिस के बारे में कि कौन कौन से टाइप हम बेसिस के यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें हम एब्जॉर्बेंट बेसिस यूज़ करते हैं, इमल्सन टाइप ऑफ बेसिस यूज़ करते हैं, वाटर सोल्युबल इमल्सन वाटर सोल्युबल बेसिस यूज़ करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे इस बेसिस के टाइप्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टी और कुछ आगे जानेंगे। तो गाइस इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपने इसके आगे बढ़ेंगे बेसिस के बारे में आगे बात करेंगे। तब तक क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज़।